मध्यकालीन निर्गुण संत कबीरदास के दोहों में काया योग, रहस्यवाद, जीववाद, निर्गुणवाद एवं परम तत्व रूप राम आदि अनेक सिद्धांतों की झलक मिलती है। मूलतः कबीर अद्वैत वेदांती है। कबीर का ब्रह्म मात्र निर्गुण नहीं है, निर्गुण होते हुए भी कबीर दया, करुणा, प्रेम और भावना के पुंज है। संत कबीर की साधना में ज्ञान और भक्ति का अपूर्व मिश्रण है, अपूर्व मिलन है। धूम, आडंबर, बाहरी दिखावा, इन सभी चीजों के कट्टर विरोधी कबीरदास जी रहे। उन्होंने समाज के उन सभी आडंबरी पंथों और संप्रदायों पर चोट किया है जो बाहरी दिखावा के पक्षधर हैं। दिखावा का मतलब समझ रही हो? दिखावा, जो हम है नहीं वैसा दिखने की कोशिश करना, वही दिखावा है। आडंबर उसी को कहते हैं। बाल मुंडा लेने से कोई संत नहीं हो जाता, वस्त्र धना लेने से कोई फकीर नहीं हो जाता, दाढ़ी रख लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। कबीरदास जी इसको आडंबर मानते रहे। हम स्वयं अपने कर्मों का मूल्यांकन नहीं करते, परंतु दूसरों के कमियों को, त्रुटियों को देखते फिरते हैं। अपने घर को, अपने आचरण को नहीं सुधारते, पर दूसरों से यही आशा रखते हैं। हम अपनी कमियों को नहीं आंकते, अपनी छिद्रों को नहीं देखते, लेकिन दूसरे के छिद्रों को बड़ा करने में मशगूल रहते हैं। अपने अवगुणों को देखना तो दूर, सुनना तक पसंद नहीं करते। वहीं दूसरों के गुणों को भी अवगुणों में परिवर्तित करने के लिए लगे रहते हैं, कुचक्र रचते रहते हैं। प्रभु फूल हैं, पुष्प हैं, हम सभी भौरे हैं, उनकी अभिव्यक्ति में संपूर्ण विश्व समाहित है। इस तरह कबीर भया है कबीर भया है केतकी। कबीर भया है केतकी, हवल भय सब दास, जहां जहां भक्ति कबीर की, तहां तहां राम निवास। कबीर अर्थात वह महान तत्व केतकी का वृक्ष हो गया है और सब भक्त उसके चारों ओर मंडराने वाले भौरे हैं। उस महान तत्व की जहां जहां अभिव्यक्ति है, उन उन स्थानों पर भगवान श्री राम का निवास है, भगवान का निवास है। कबीर भया है केतकी, केतकी हमर भय सब दास, जहां जहां भगत वीर की, तहां बलिहारी तो दास की, रहे राम की ओट। कितनी अच्छी बात कही है
कबीर दास जी ने कि यह जगत काजल की कोठरी है, अज्ञान की कालिमा का स्थान है यह जगत, इसकी स्थिति का संरक्षण भी अज्ञान की चार दीवारी द्वारा ही संभव है। उस भक्त को धन्य है जिसने भगवान की शरण ले ली है, अर्थात उस भक्त का जीवन सफल है जो भगवान के शरणागत हो गया। इससे उस पर संसार की कालिमा का असर नहीं होता, क्योंकि मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा जीवन, मेरी मृत्यु मेरे प्रभु है। वो जिस विधि मुझे रखेंगे मैं उसी विधि रहूंगा। जब भक्त अपने को संपूर्णता के साथ भगवान के शरणों में न्यौछावर कर देता है तो उस भक्त का अपना सुख और दुख कहाँ रहता है, उसमें कहाँ उजाला, कहाँ कालिमा, सब तो फिर सब सफेद ही सफेद है। काजल के सच्ची आस्था मन में जगाओ। केवल वेश धारण करने से कुछ नहीं होता, रूप रंग बदलने से कुछ नहीं होता है, मन को बदलना पड़ता है। मौला पहरिया कुछ नहीं, मौला पहरिया कुछ नहीं, भगति न आई हाथ, माथों मूछ मुड़ाई करी, चलिया जगत के साथ, चलिया जगत के साथ। अगर भक्ति भावना नहीं जागी तो माला पहनना व्यर्थ ही तो गया। भक्ति सिर और मूछों का मुंडन कराकर या सन्यासी का वेश धारण करके ही भक्ति के अभाव में जगत के साथ चलता रहता है। भाव यह है कि वह भी विषयी संसार की तरह ही लोक व्यवहार करता है, अतः माथा मुड़ाने से कोई सन्यासी नहीं होता है। मन को मुड़ाना होगा, मन को बदलना होगा। माला पहना कुछ नहीं, भगत न आई हाँ।